पीएम मतलब पनौती मोदी। राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पनौती मोदी वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग से गुरुवार 23 नवंबर को झटका लगा। उन्हें आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर शनिवार 25 नवंबर की शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम मोदी पर निशाना साधने वाली पनौती, जेब अकतरा और कर्ज माफी वाली टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राहुल ने मंगलवार 21 नवंबर को बाड़मेर के बायतू और उदयपुर के वल्लभनगर में जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, पीएम मतलब पनौती मोदी, अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये अलग बात है, हरवा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी और कहा था कि एक वरिष्ठ नेता के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना अशोभनीय है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा, झूठ का जाल फैलाने में लिप्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की टिप्पणियां इन अपराधियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और सख्त कार्रवाई की मांग करती है, क्योंकि उनके आचरण में नैतिक मूल्यों के साथ साथ चुनाव कानूनों और आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार 21 नवंबर को राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, पीएम का मतलब पनौती मोदी है, मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू मुस्लिम कहते हैं और कभी कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं, वो अलग बात है कि हरवा दिया, इसको लेकर ही बीजेपी उन पर हमलावर है। इसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नेताओं को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से रोकती है। आइए जानते हैं क्या है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दरअसल कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो भिन्न भिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे धार्मिक या भाषाई हों, के बीच विद्यमान मतभेद को और अधिक बिगाड़े या परस्पर घृणा उत्पन्न करे या उनके बीच तनाव कारित करे। जब राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए तो उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाएगा। दल और अभ्यर्थी दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से विरत रहेंगे जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई हैं। असत्यापित आरोपों या विकृति के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। राहुल गांधी ने इसी नियम का उल्लंघन किया है। वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राजनैतिक दल और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में न तो बाधा खड़ी करें और न ही उन्हें भंग करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या हमदर्द राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में मौखिक या लिखित रूप में प्रश्न पूछकर या अपनी स्वयं की पार्टी के पर्चे बांटकर अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करेंगे। एक दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाएगा जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की गई हों। एक दल के द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अन्य कई सारे नियमों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी राजनैतिक दल अपनी मर्यादा में रहेंगे एवं किसी भी अन्य राजनैतिक पार्टी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।